पता ही नहीं चलेगा भेड़ा या बकरी है। इनकी शक्ल देखोगे तो बकरी लगेगी और इनका शरीर देखोगे तो भेड़ लगेगा। चलो भाई साइड तो हो, थारे बापू का रोड है कैसे यो है, थारे बापू का रोड नहीं है, इससे बचना पड़ेगा, कट मार गए। राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो भाई स्वागत है एक और ब्लॉग में दीपक ब्लॉग टीवी पर आज हम NS 200 के साथ। भाई ये देखो मस्त चीज़ एकदम, पता ही नहीं चलेगा भेड़ा या बकरी है। इनकी शक्ल देखोगे तो बकरी लगेगी और इनका शरीर देखोगे तो भेड़ लगेगा। चलो भाई साइड तो हो, थारे बापू का रोड है कैसे यो है, थारे बापू का रोड नहीं है, परागो हो जाओ परागो। तो भाई मोटर ब्लॉग आज है हमारा NS 200 के साथ। टाइम हो रहा है 5:45। मैं थोड़ा पीछे से जा रहा हूँ, मतलब जिंदल वो है सामने, तो मैं पीछे से कैसे आया भाई, पीछे से कैसे आया समझ रहे हो, नहीं बताऊंगा कहाँ से आ रहा हूँ। पूरा तेरी चढ़ाया गया से डिवाइडर पे। तो भाई देखते हैं आज रास्ते में क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, कैसा मोटर ब्लॉग रहेगा। बट मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में, कम से कम 20 दिन के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। स्कूटी से सारा काम हो रहा था, स्कूटी की आदत पड़ गई है, सब कुछ चेंज लग रहा है, मतलब अलग लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जैसे ग्रिप इसकी पतली है, उसकी मोटी है तो वो फ़र्क लग रहा है। ऊपर से इसको भगाने में मज़ा आ रहा है, बैठने का पोस्चर चेंज हो गया। ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझ जा करो यार, इतनी बार बार मत भाग रहो। क्या मज़ा है भाई, रोड देख रहे हो, पानी की बोछार करते हुए जा रहा भाई, क्या आनंद आता है भाई, बाइक पे मजे आ जाते हैं एकदम, मौज बहार एकदम। क्या पानी से गिरा यार, कोई मक्खी वक्खी टॉयलेट कर गई क्या। ये लो जी हो गई ना रात, दिन में भाई कुछ मिला ही नहीं, ऐसा कि मैं उस टाइम की वीडियो डाल देता तो भाई मैं वापस जा रहा हूँ घर। तो मोटर ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, आना और जाना दोनों मोटर ब्लॉग मैंने जोड़ दिया एक साथ है ना, क्योंकि कुछ ऐसा कंटेंट रहा नहीं। अब हम पहुंचेंगे घर, थोड़ी सी घर से इमरजेंसी कॉल है तो थोड़ी सी रफ्तार के साथ जाना पड़ेगा अपन को। बस ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी ऐसी है कि जल्दी जाना ही पड़ेगा। फ्लाईओवर चालू है या ट्रैफिक है ये देखना बाकी है, मेरे ख्याल से चालू है तो ऊपर से चल रहे हैं। देखो जल्दी है पर जल्दी के साथ साथ भाई अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है, इसलिए मैं ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ जल्दी है, सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम हो रहा है 8:36, ओवर स्पीडिंग नहीं है, बस जल्दी जल्दी जाने की कोशिश है सेफ्टी के साथ। जितनी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उतनी मैं भगा रहा हूँ। ट्रैफिक में शायद 80-82 के आसपास भग रही होगी, पीछे खाली रोड मिले तो ज़्यादा भग जाएगी। बस जल्दी सब फटाफट पहुंचना है और पर ये लास्ट ट्रैफिक मिलेगा, इसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं है, भागम भाग जाएगी गाड़ी। क्या हो गया भैया, कैसे
चक्कर से कैसे आ रहे हैं तुम। निकले 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 और ये निकले। मुझसे भी ज़्यादा जल्दी भाई, जल्दी पहुँचो। और तेरी सरप्राइज निकले क्या हम, ये अभी भी कुछ बाकी है आगे तो हम निकल चुके हैं। अच्छा सा रोड मिल जाए यहाँ से, अभी होगा 25 किलोमीटर के आसपास, आराम से 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे हम। पर जहाँ थोड़ा सा भी ट्रैफिक मिल जाओ ना, वहाँ दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी है नहीं बिल्कुल, मतलब कभी नहीं बहाता यार मैं बाइक वाइक पर, कोई इमरजेंसी ऐसी आती है ना तो जाना पड़ता। ओए होए गड्ढे हैं यहाँ तो गड्ढे। अरे तेरी बीवी के हाथ में अभी जाएगा तो भी इनका को। आगे किसी और को भी इमरजेंसी है, इलेक्ट्रिक कार है, बड़े भयंकर तरीके से भगा रहा है। टियागो है, टियागो वो जा रही औरत तेरी पूरी बेल रखी इन्नर एक्सक्यूज मी। ये देखो ये देखो ये देखो, इससे बचना पड़ेगा, कट मार गए। ओए भैंस की आंख तेरी, बच गया मैं, इतना सा बचा हूँ भाई। भाई इस वीडियो को मेरे घर के देखेंगे, कुछ भी कांड हो सकता है, गुस्सा करेंगे, पर सॉरी उसके लिए। भाई ले दी थी उसने साइड में, उठने ऐसे साइड में, इस साइड लेने वाला था वो, इतना सी बचा था बस ऐसे करके एकदम। कोई बात नहीं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बद्दू घर को जा रहे हैं। देखो पीछे वाले शीशे इसलिए क्लियर होने जरूरी है वाहनों के, जो गाड़ियां होती है ना पीछे वाले शीशे, पता है क्यों? जो गाड़ी वाला है उसको तो बेनिफिट है ही है। अभी जैसे कि मैंने पीछे टियागो क्रॉस करके मैंने वहां से लेके इस साइड क्रॉस किया, तो जब मैं उस गाड़ी को क्रॉस कर रहा हूँ पीछे साइड से, तो मुझे उस गाड़ी में आर पार दिख रहा है कि साइड में कोई नहीं चल रहा है, तो उसका ये बेनिफिट है। अगर वो ब्लैक होती ना और मैं पार करता, हो सकता था कोई बाइक वाला या कुछ खड़ा होता, कुछ भी हो सकता था भाई, है ना। तो ये गाड़ी के पीछे वाले शीशे क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैं बहुत ज़्यादा नहीं रैश ड्राइविंग कभी मैं करता ही नहीं हूँ रैश ड्राइविंग, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं और इसमें भाई दोनों की जान को खतरा होता है, अपने को भी और
बराबर वाले को भी। वैसे जिसको प्रैक्टिस होती है ना ज़्यादा, तो रिस्क तो देखो हर चीज़ में होता है, जिसको प्रैक्टिस है उसके बहुत कम चांस होते हैं कि कोई हादसा हो सकता है, पर रिस्क तो सब चीज़ में है यार। रात को सो के पता चल रहा है क्या सुबह को उठ रहे। तो भाई लोग मैं पहुंच गया हूँ जिंदल, घर पहुंचने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के बाय-बाय, टेक केयर, खाते रहो, पीते रहो, मौत उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर नहीं किया तो लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, जो मर्जी जैसे मर्जी लिखने का मन करे, ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, बाकी कुछ बताना है पूछना है तो भी कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम जी, और सेफ ड्राइव करते रहना, हेलमेट यूज़ करते रहना, पास जा रहे हो, दूर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो चाहे, चलो जी।